तू मुझे बांधने की पुचारन, तू बांधे की मुझे यहाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और चौथा को भी नहीं छोड़ूंगी, समझे तू? तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। परंतु छोड़ इन बातों को, तू जलाल को देखना चाहती है? हाँ। मैं दिखाऊंगी तुझे। तुम्हें जागना होगा, वो तुम्हारे शरीर में बैठी है। तुमने उसे अपने शरीर में घुसने की अनुमति दी है। अब तुम अपनी शक्ति से उसे बाहर निकालो। जागो जोधा, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। शहंशाह मर गया है जोधा, शहंशाह मर गया है। शहंशाह जीवित नहीं रहे। मेरी ओर देख, तुझे सती होना होगा। तुझे जलाल का साथ पाने के लिए जलाल के साथ सती होना होगा। तो क्या मैं तेरा शरीर छोड़ सकती हूँ? हाँ, छोड़ सकती हूँ। चली जाओ। बुरे वक्त की भी एक अच्छाई होती है जोधा बेगम, कि वो भी गुजर जाता है। हमारी जिंदगी का बुरा वक्त भी आखिरकार गुजर ही गया। हाँ शहंशाह, और इस समय के बीतने के बाद हम दोनों और भी निकट आ गए थे। जोधा और जलाल की जिंदगी के साथ साथ आगरा में भी सब ठीक हो गया था। कृष्ण की मूर्ति बनकर मथुरा से जोधा के महल आ चुकी थी और उसकी स्थापना भी हो गई थी। सल्तनत में बाहर से आए पंडितों और ज्ञानियों ने महल का शुद्धिकरण किया और दुआ पड़ी कि सब ओर शांति रहे। ऐसे हमसे पूछना चाहेंगे जोधा बेगम, क्या आपको आपको याद है कि किस मगरूरियत से और किस मिजाज से आपने हमसे मोहब्बत जताई थी? अगर अगर आपको फुर्सत हो, अगर याद ना हो तो हम याद दिला दें आपको। हमें कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, उस दुष्ट से तो अच्छी तरह से जानते हैं हम कि अपने पति को खुश कैसे रखा जाता है। अच्छा, पर हम नमूना देखना चाहेंगे जोधा बेगम। फिर कभी बताएंगे। वैसे हम सोच रहे थे जोधा बेगम कि एक अरसा हो गया है हम कहीं सैर पर नहीं गए, तो क्यों ना सैर पर चला जाए, और आप अगर चाहें तो अपनी अदाओं का नमूना वहां हमें दिखा सकती हैं।